गुरुवार को यह 10 काम बिल्कुल ना करें। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की शुरू में ही कमेंट में राधे राधे लिखकर राधा रानी के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। राधे राधे। गुरुवार का दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना जाता है। भाग्य जागृत करने और लंबी आयु के लिए गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार को मंदिर जाने का बहुत ही खास महत्व होता है। आओ जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर एक, इस दिन शेविंग ना बनाएं और शरीर का कोई भी बाल ना काटें, अन्यथा संतान सुख में बाधा उत्पन्न होगी। इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नंबर दो, दक्षिण पूर्व में यात्रा करना वर्जित है। खास करके इस दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यात्रा जरूरी हो तो दही या जीरा खाकर घर से बाहर निकलें। नंबर तीन, गुरुवार को ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। नंबर चार, इस दिन दूध और केला खाना भी वर्जित माना गया है। नंबर पाँच, इस दिन गुरु देवता पिता दादा और धर्म का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। नंबर छः, इस दिन कपड़े धोना वर्जित माना जाता है। नंबर सात, इस दिन पोछा लगाना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ होता है। नंबर आठ, जिस व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता, इस दिन खिचड़ी खाने को भी वर्जित माना गया है। नंबर नौ, ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे गुरु ग्रह कमजोर होता है और कहा जाता है इससे संपत्ति और संपन्नता सुख में कमी आती है। नंबर 10, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। गुरुवार सरल पूजा विधि। नंबर एक, गुरुवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। नंबर दो, इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व है तो पीले वस्त्र धारण करें। नंबर तीन, भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। नंबर चार, भगवान विष्णु को चंदन लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। नंबर पाँच, भगवान विष्णु को गुड़ या चने की दाल का भोग लगाएं। नंबर छः, किसी पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। नंबर सात, विष्णु के मंत्रों का जाप करें, पाठ करें। नंबर आठ, विष्णु चालीसा पढ़ें और बृहस्पति देव का ध्यान करें, गुरु मंत्रों का बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें। नंबर नौ, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारें। नंबर दस, केले के पेड़ में श्री हरि और बृहस्पति का वास होता है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा कर दान भी करें। नंबर 11, शाम के समय फलाहार के साथ व्रत का पारण करें। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे किचन पार्टनर्स टीएम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।